हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट कैसे छुपाएं, हाउ टू हाइड फ्रेंड लिस्ट ऑन फेसबुक। दोस्तों यदि आप अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक चलाते होंगे तो दोस्तों फेसबुक पर आपके कुछ न कुछ दोस्तों फ्रेंड सर्कल होगा ही, जैसे कि 100-200 फ्रेंड होंगे, 500-1000 भी हो सकते हैं। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है और दोस्तों आप किससे छुपाना चाहते हो, क्यों छुपाना चाहते हो। क्या आप अपने यार दोस्तों से छुपाना चाहते हो, या फिर अपने रिलेटिव से छुपाना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों रिलेटिव पेरेंट्स जो भी हो गए, किन से छुपाना चाहते हो, क्यों छुपाना चाहते हो, सारा सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। किसको दिखना चाहिए, किसको नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि सामने वाला जो पर्सन है, आपका रिलेटिव हो गया, पेरेंट्स हो गए, वो दोस्तों आपके फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करते हैं और दोस्तों यहां पे जाके आपके दोस्तों जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, यहां पे जाके वो सारा का सारा देख लेते हैं कि आपका जो फ्रेंड्स लिस्ट है दोस्तों किस किस के साथ है, वो यहां पे जाके योर फ्रेंड के अंदर देख लेते हैं। तो दोस्तों उनको पता चल जाता है कि आप इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है फेसबुक पर। तो दोस्तों आप चाहते हो कि किसी एक बंदे से, दो बंदे से, आप चाहते हो अपने पेरेंट्स से उन्हें हाइड कर दूं, या अपने रिलेटिव से, या किसी ऐसे फ्रेंड से जो आप नहीं चाहते कि वो मेरा फ्रेंड लिस्ट देख पाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। और दोस्तों यहां पर आपको फेसबुक ओपन करोगे तो आपको यहां पर 3 लाइन मिलता है, यहां पर दोस्तों क्लिक करना होगा। दोस्तों हो सके इस वीडियो से यदि आपको फायदा मिले तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यहां पर दोस्तों नीचे आओगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी का दोस्तों बटन मिलता है, और यहीं पे दोस्तों आपको यहां पे सेटिंग का भी बटन मिल जाता है। दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना है, आपका दोस्तों फेसबुक कुछ इस तरह से ओपन होएगा, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको यहां पे जहां पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा सेम ऐसे ही क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पे स्लोली स्लोली नीचे आने हैं, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के अंदर आने हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों यहां पे 3 नंबर पे दिख रहा है, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, तो दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे क्लिक करो तो दोस्तों आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, दोस्तों इतने सारे सेटिंग है, किसके अंदर क्लिक करना है, किसके अंदर नहीं क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहां पे Who can see your friend list? यानी कि दोस्तों जो आपका फ्रेंड्स लिस्ट है दोस्तों कौन कौन देख सकता है, आपको दोस्तों 2 नंबर पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या क्लिक है, पब्लिकली है मेरा, यानी कि दोस्तों जो मेरा फ्रेंड्स है ना सर्कल, कोई भी देख सकता है, चाहे मेरे रिलेटिव हो, पेरेंट्स हो, या फिर कोई यार दोस्त हो, सभी के सभी दोस्तों मैंने पब्लिक पे सेट कर रखा है। मैं सारा एक एक दोस्तों यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगा किसको दोस्तों करने से क्या होगा, तो आप लोग आखिर तक इस वीडियो को देखते रहना। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड, यहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक करोगे तो इसका क्या मतलब है, योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, यानी कि दोस्तों यदि 2 नंबर पे सेट कर देते हो तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा कि आपके फेसबुक पर जो फ्रेंड लिस्ट है सिर्फ वही लोग आपके फ्रेंड्स को देख पाएंगे, यानी आपकी फेसबुक पर जिनके साथ दोस्ती है वही आपके फ्रेंड सर्कल को देख पाएंगे, आपके फ्रेंड लिस्ट को देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप यदि 3 नंबर पे दोस्तों क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेड दोस्तों कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं, जैसे कि जिनसे आपसे दोस्ती है वही दोस्तों उन्हें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कौन कौन देख सकता है। यदि आप चाहते हो कोई भी ना देखे, सिर्फ ये बंदा देखे, ये बंदा देखे, तो दोस्तों आप ऐसा यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाइट वाइट है दोस्तों, यहाँ पे रेड हो जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा कि सिर्फ उन्हीं को दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। इसे दोस्तों मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आओगे तो सी मोर का भी बटन मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया कि डोंट शो टू सम फ्रेंड, यानी कि दोस्तों इस पर क्लिक करते हो और यहाँ से अपने फ्रेंड को चूज करते हो तो इसे नहीं दिखेगा, बाकी सबको दिखेगा। तो मैं अभी दोस्तों इसे अनक्लिक कर देता हूं। अब यहां पे दोस्तों ये देख सकते हो कि सी मोर पे मैंने क्लिक किया, कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड है यहाँ पे, जहाँ पे दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों आप जिसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सिर्फ इसे दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। तो ये है यहाँ पे दोस्तों तरीका, और एक बटन यहाँ पे और मिल जाता है आपको, यदि आप चाहते हो सिर्फ मुझे ही दिखे, किसी को भी ना दिखे, मेरा फ्रेंड लिस्ट किसी को ना दिखे। फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट कैसे छुपाएं, यदि आपने ऐसा सोच रखा है हाउ टू हाइड फ्रेंड लिस्ट ऑन फेसबुक, तो दोस्तों आप यहाँ पे ओनली मी क्लिक कर दोगे तो दोस्तों किसी को भी दोस्तों आपका फ्रेंड लिस्ट नहीं देखेगा। कोई भी फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा तो आपके फ्रेंड्स कितने हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये आप सेटिंग कर सकते हो, आप यहां पे जो भी सेटिंग है, चारों तीनों मैंने सबके बारे में बता दिया। मैं तो दोस्तों पब्लिकली रखता हूं क्योंकि दोस्तों मेरा काम ही ऐसा है, आप दोस्तों अपने हिसाब से यहां पर सेट कर सकते हो। यदि नहीं चाहते कोई भी देखे तो ओनली मी पे क्लिक कर देना,
यदि आप चाहते हो आपके फ्रेंड सर्कल वाले ही देखें तो दोस्तों दो नंबर पे क्लिक करना। यदि आप किसी चुनिंदा बंदों को चाहते हो कि आपके पेरेंट्स को ना दिखे तो दोस्तों आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके किसी खास दोस्त को दिखे बाकी किसी को ना दिखे तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, दोस्तों अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो करना ही, कमेंट भी कर देना अच्छा से प्यारा सा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली परिवार में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।